यूट्यूब में बवाल। दोस्तों आजकल जो है यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ही जो है बवाल हो रही है, एक दूसरे के पीछे लगे हुए रहते हैं, एक दूसरे की जो कमियां निकालने में रहते हैं। मैं ये वीडियो खास के उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल सर 123 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आप इस चैनल नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो दूसरों की कमियाँ निकालने में रहते हैं और दूसरों की वीडियो अपलोड करके अपने आप को फेमस करना चाहते हैं और यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात यह है कि पहले आप अपना वीडियो बनाइए, किसी के दूसरे वीडियो को लेकर के आप जो है उसमें क्या करते हैं उसके साउंड को जाकर नेगलेक्ट करके आप जो है उसका वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा किसी की कमी मत निकालें, आप क्या कर रहे हैं अपना वीडियो बनाइए, दूसरों की वीडियो मत बनाइए, क्योंकि दूसरा का वीडियो को लेकर के आप अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और आप जो अगर एडिटिंग करके अपना भी डाल देते हैं उसमें मिक्स करके, ऐसा वीडियो मत बनाइए क्योंकि ये वीडियो ठीक नहीं लगता है और दूसरे की बुराई ये भी सही नहीं होती है, क्योंकि सब अपने एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हैं, अपने वर्क में लगे रहते हैं। और कुछ मैं यूट्यूब में आजकल ये देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो दूसरों का जो है रफ्तार को स्पीड को रोकना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि दूसरे की स्पीड को कम किया जाए, दूसरा का जो चैनल व्यूज आ रहे हैं सब्सक्राइबर आ रहे हैं ग्रोथ कर रहे हैं उसके चैनल को रोका जाए। कुछ ऐसे भी जो है ईर्ष्या करने वाले चैनल हैं जहाँ पर ऐसे टाइप्स के मतलब वीडियो बनाए जाते हैं और अपलोड किए जाते हैं, ये भी सही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि सब अपने अपने जगह में सही है, सब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं तो आप पर डिपेंड करता है। आप अपना काम में लगे रहिए, आपका चैनल किस कैटेगरी का है उस पर लगे रहिए, आप किस तरह का वीडियो अपलोड करते हैं उस पर काम कीजिए। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है मतलब दूसरा की तरक्की को देखकर आप जलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं शुरू में यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था तो मैंने सोचा कि यूट्यूब में ऐसी बात नहीं होगी, एक दूसरे से ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन जब मैंने काम करते गया तो देखा यहाँ पर भी बहुत जो है जलन की समस्या होती आ रही है, मतलब एक जो क्रिएटर दूसरे क्रिएटर से जलते हैं, ये भी नहीं आना चाहिए। अगर दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो आपका जो है सब्सक्राइबर हैं जो ये व्यूअर्स देखते हैं आपके चैनल को देखना बंद कर देंगे, देखते हैं ये तो कट्टरपंथी वाली चाल है जो दूसरों से देख कर जलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या क्रिएटर्स हो, या यूट्यूबर्स हो, जो भी हो, ये बात सभी के लिए है कि एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अब जो मतलब जिस कैटेगरी का वीडियो बना रहे हैं अपलोड कर रहे हैं उसके चैनल अच्छे व्यूज आ रहे हैं सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी है, साथ साथ सभी के लिए अच्छी है, क्योंकि वह उस तरह का जो है कॉन्टेंट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेंट के आधार पर ही व्यूज आते हैं, थंबनेल आपकी कैसी हैं, जब थंबनेल को क्लिक करते हैं तो आपके वीडियो मतलब चालू होते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कंटेंट किस कैटेगरी है, कंटेंट अच्छे होते हैं तो उस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, कंटेंट अगर अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा देर जो है देख करके उसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं, स्किप करके छोड़ देते हैं, तो ये कंटेंट पर तो निर्भर करता है फ्रेंड्स। इसलिए एक दूसरे के जो वीडियो को अपलोड ना करें और अपना वीडियो बनाइए, दूसरा की कमी को मत निकालिए और एक दूसरे से जलने की समस्या ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरे से जलेंगे तो आपसे भी जो आपके सब्सक्राइबर हैं जो व्यूअर्स हैं आपसे हिट करेंगे, क्योंकि आपके जो वीडियो को देख करके वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस ये जो किस कैटेगरी का वीडियो अपलोड कर रहा है मतलब इसके कहने का मीन्स क्या है, तो इस तरह की बात होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए और आप जो वीडियो देख रहे हैं ये मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ चैनल में नए हैं लाइक कमेंट शेयर भी करें फ्रेंड्स। नमस्कार।